सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि सब लोगों को पता होगा कि आज महाशिवरात्रि है, सब लोग जा रहे हैं पटना के काफी प्रचलित मंदिर, जहाँ मतलब पटना का जो काफ़ी फेमस मंदिर है शंकर भगवान का, वहीं पे जा रहे हैं पूजा करने। किस तरीके से लोग पूजा करते हैं और किस तरीके से हम लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी भव्य तरीके से करते हैं। सो ब्लॉग पूरा देखिए, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होगा। सो कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा प्लीज़ यार। थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा, काफ़ी सपोर्ट का ज़रूरत है। मेरा चैनल थोड़ा सा नीचे के लेवल में ग्रो जा रहा है, इसको ऊपर के लेवल में ले जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और कहीं से स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, मज़ा आने वाला है। आगे बात है अपनी वाइफ से, देखिए मेरी वाइफ है, इन्हीं के साथ जा रहे हैं, इनका काफ़ी मन था, मेरा भी मन था, मैं महादेव का भक्त हूँ। तो चलते हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग खतरनाक होने वाला और किस तरीके से सेलिब्रेट होता है इसी के ऊपर है। तो सो ब्लॉग पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छा। जा रहे हैं अब हम लोग मंदिर की ओर, देख सकते हैं बगल में बैठी हुई है और रहिएगा, और रोड का व्यू भी दिखाते हैं और मंदिर तरीके से लोग एकत्रित हुए हुए देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार होगा। सो बने रहिएगा, हम लोग अभी अपने घर के ठीक पीछे हैं और ये मंदिर देख सकते हैं कि मंदिर में काफ़ी भीड़ है। काफ़ी भव्य तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब आप सोच सकते हैं कि महाशिवरात्रि आज ही के दिन माता पार्वती और हमारे भोलेनाथ का शादी हुआ था, विवाह हुआ था। तो मिलते हैं हम मंदिर पे। तो आ गए हैं हम लोग रामनगरी असियाना, बस यहाँ से संभल के चले मैडम, न तो हो जाए गड़बड़। थोड़ा सा ही दूरी पे है बाबा का मंदिर, पहुंचने ही वाले, काफ़ी खुश हैं अंदर से, सुबह सुबह के टाइम पे जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। पापा के पर ये लगता है कि हमारे गाड़ी में आपकी लड़ी, तनी बच के चला देख के उन्होंने पारूखा। नहीं आ रहे थे, यही मंदिर है, देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ फूल ले रही है। अपना राजा बाजार हुआ और चला जाए, प्रशासन वगैरह भी तैनात है, अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है कि देख सकते हैं। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लाइन लगे, दूर से लाइन आ रहा है पता नहीं चल रहा है। लाइन काफ़ी लंबा है, कोशिश से यही है कि बाबा से दर्शन हो जाए केवल। जाम भी काफ़ी तगड़ा किया हुआ है, बस अब यही है कि जल्दी से जल्दी पूजा हो जाए, तब तक सॉन्ग और गाना एंजॉय कीजिए। माहौल कुछ इस प्रकार का है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्यूट हैं, मतलब काफ़ी अच्छी हैं। सो उसी तरह के से अंदर तो आ गए हैं, काफ़ी लंबा है लाइन, देख सकते हैं आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना लंबा है। काफ़ी जल्दी हम लोग अंदर भी आ गए हैं क्योंकि मेरी वाइफ दिमाग लगा दी थी, बीच में ही घुस गई और ये लड़की भी बीच में घुसी हैं। तो काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बस पहुंचने ही वाले, कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे। सो पहुंचने वाले हैं फाइनली और ये भैया मिले थे अभी, तो यही है एंट्रेंस, बस ख़त्म ही है, काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए थे सारे लोग।
फाइनली गाइस मंदिर में एंटर कर गए हम लोग और देख सकते हैं मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ तो दिख ही रहा होगा। ये श्रद्धा और आस ही था कि इतना जल्दी मंदिर में ले आया। काफ़ी जल्दी हम लोग एंटर कर गए, हम लोग से पहले से भी लोग आए हुए थे, खड़े थे। तो ये मंदिर का ऊपर का है और जहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया आपने वो देखा होगा, बाबा वहीं पे थे। माता राधा और कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर के ऊपर। इस प्रकार से भीड़ जुटे हुए हैं मंदिर के अंदर। तो ये एक श्रद्धा भक्ति ही है कि जो लोग इतने दूर से और इतने देर लाइन में लग के दर्शन करने आते हैं, तो ये यहाँ आने पे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मतलब आप जब भी शंकर भगवान का पूजा करोगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप से फील होगा। तो काफ़ी ज़्यादा ही ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो जब भी आप मंदिर जाओगे तो आपको ये अनुभव महसूस होगा कि मैडम हमारी टीका करवा के आ गई हैं। टीका लगा दें बाबा, लग जाए टीका लगा दी। तो अंदर टीका करवाने गए थे लेकिन मज़ेदार से नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। चलते ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं किस प्रकार का है और उसके बाद निकलते हैं फिर घर की ओर, दिखाते हैं आपको बाहर किस प्रकार से भीड़ है। अभी कुछ ऊंचाई पे आए, मंदिर के सबसे टॉप पे हैं, जैसा कि यहाँ खड़ा नहीं होने दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हो चुका है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और दर्शन कीजिए, आप लोग बढ़ते जाइए, भीड़ रहेगा कि नहीं रहेगा वो आप पैसा थोड़े हो जाएगा। चढ़ चढ़ल माला नहीं मिले चलते हैं अब हम लोग अपने घर की ओर। जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग निकल चुके हैं, पूजा हो गया अच्छे से। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, शाम में भी है शिवरात्रि के ऊपर ही कुछ, तो कंटिन्यू रहिएगा और ब्लॉग पूरा देखिएगा शाम वाला भी। तो हर हर महादेव, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी ज़रूरत है।